हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एल्कलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन दैट वी हैव कंप्लीटेड टैनिंस, रेजिन्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल। सी दिस एल्कलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स लाइक दैट टैनिंस एंड रेजिन्स एंड ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड परफॉर्म सेवरल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल्स बॉडी। So first of all, we will discuss what are alkalides. Alkalides is defined as organic products of natural or synthetic origin which are basic in nature and contain one or more nitrogen atoms, normally of heterocyclic nature, and possess specific physiological actions on human or animal body. देखिए, जैसे tannins और resins अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, अब ऐसे ही क्या होते हैं alkalides भी। दीज आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हमें कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, आइदर नेचुरली और वी कैन सिंथेसाइज इट इन द लैब। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब विच कंटेन्स द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ दीज आर बेसिक इन नेचर। एल्कलाइड्स का जो नेचर होता है बेसिक होता है। ये नेचर बेसिक किस वजह से होता है? बिकॉज इट कंटेन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम एल्कलाइड्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो ड्यू टू दिस लोन पेयर द नेचर ऑफ एल्कलाइड्स बिकम बेसिक। अंडरस्टूड? और सेकेंडली क्या होता है, देखिए एल्कलाइड्स में एक या फिर एक से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एल्कलाइड्स में एक भी नाइट्रोजन ना हो। सो इट इज मैंडेटरी दैट द वन नाइट्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट। नाउ इट शुड बी हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, एल्कलाइड्स हेट्रोसाइक्लिक होते हैं नेचर में। हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट, साइक्लिक में क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड पॉजेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमन और एनिमल बॉडी। और ये क्या करते हैं, पॉजेस करते हैं स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शंस, किसमें, ह्यूमंस या फिर एनिमल बॉडी में। फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इट्स ऑर्गन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। तो फर्स्टली दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इन मीन्स द जो आयंस होते हैं इसमें, दे आर ऑर्डरली अरेंज। नाउ अब इसमें जो आयंस है ऑर्डरली अरेंज होते हैं, इट मीन्स इट हैज द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ सम एल्कलाइड्स आर अमोफस गम, बाय अदर लाइक कोनीन, निकोटीन आर लिक्विड इन नेचर। सम एल्कलाइड्स आर कलर इन नेचर, एग्जाम्पल बेटानिडीन, इट शोज द रेड कलर, बर्बरीन, इट शोज द येलो कलर। सी आई हैव मार्क्ड इट विद रेड एंड येलो सो दैट यू कैन इजिली रिकॉल इट। नाउ सॉल्ट ऑफ मोस्ट एल्कलाइड्स आर सोल्यूबल इन वॉटर। मोस्टली क्या होते हैं, जो एल्कलाइड्स के सॉल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, वॉटर में सोल्यूबल होते हैं। नाउ फ्री बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वॉटर एंड देयर सॉल्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्गली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज स्यूडो एंड प्रोटो एल्कलाइड गिव हायर सोल्यूबिलिटी इन वॉटर। अभी हम डिस्कस करेंगे एल्कलाइड्स की क्लासिफिकेशन में अबाउट द स्यूडो एंड प्रोटो एल्कलाइड। ओके, ना ये जो स्यूडो और प्रोटो एल्कलाइड्स होते हैं, इनकी क्या होती है, वॉटर में सोल्यूबिलिटी बहुत हाई होती है। सोल्यूबिलिटी एंड सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाइड इज यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द एक्सट्रैक्शन। नाउ ये जो एल्कलाइड्स की सोल्यूबिलिटी है एंड इसके जो इसके सॉल्ट होते हैं, दे आर मेनली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन। नाउ दे गिव कलर प्रेसिपिटेट विथ हैलोजनेटेड कंपाउंड्स। देखिए क्या होता है, जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं लाइक फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब क्या कर रहे हो एल्कलाइड्स को आप हैलोजनेटेड कंपाउंड्स के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं, इट गिव्स कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, दीज सो ये क्या था, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कलाइड्स की। नाउ वी विल डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्टली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज बेसिक इन रिएक्शन। मैंने अभी आपको जैसे डेफिनेशन में भी बताया था कि एल्कलाइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाउ टर्न्स टू बी न्यूट्रल और एसिडिक व्हेन एडजेसेंट फंक्शनल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लाइक अमाइड ग्रुप। जैसे ही आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा एटम जो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है,
ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे अमाइड ग्रुप के साथ हम क्या कर रहे हैं, अल्कलाइड्स की रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होता है, जो अल्कलाइड्स है इट टेंड्स टू टर्न न्यूट्रल और एसिडिक। नाउ इट फॉर्म्स द सॉल्ट विथ इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड से करा रहे हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि क्या हो गया आपके, HCl है, ठीक है, HCl है, H2SO4 है। देयर कंपोजिशन ड्यूरिंग देयर स्टोरेज कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन। ये क्या कंटेन करता है, अभी हमने जैसे डेफिनेशन भी बताया था कि अल्कलाइड्स मिनिमम एक नाइट्रोजन एटम तो अल्कलाइड्स में प्रेजेंट होती है, भले ही आप क्या कर भले ही क्या हो सकता है, नाइट्रोजन अल्कलाइड्स में एक से ज्यादा हो जाए। नाउ इन नेचुरल फॉर्म एग्जिस्ट आइदर इन फ्री स्टेट एज अमीन और एज सॉल्ट विद एसिड और अल्कलाइन एंड ऑक्साइड। ठीक है, नेचुरली हमें अल्कलाइड्स किस किस फॉर्म में मिल सकता है, वेदर इट कैन बी इन फ्री स्टेट लाइक अमीन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट विद एसिड और अल्कलाइन एंड ऑक्साइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड। सो देयर आर टू बेसिस फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। फर्स्टली इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस अबाउट दिस बायोजेनेसिस। ठीक है, बायोजेनेसिस मतलब कहाँ से ये अल्कलाइड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अल्कलाइड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बायोजेनेसिस के बेस में इसको तीन फॉर्म में क्या कर रखा है, क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट कौन सी आ जाती है आपकी, ट्रू अल्कलाइड्स। ठीक है, देखिए ट्रू अल्कलाइड्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग दे आर ऑल्सो नोन एज हेट्रोसाइक्लिक अल्कलाइड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है आपकी हेट्रोसाइक्लिक, ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अल्कलाइड्स भी बोलते हैं। दे आर टॉक्सिक इन नेचर, इनका नेचर क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन विच इज ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अदर क्लासिफिकेशन भी इसी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है जो आपके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, तो ये जो नाइट्रोजन एटम ड्राइव किया गया, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, अमाइनो एसिड से। ठीक है, अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन, नेक्स्ट पॉइंट सी दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, आगे आप बना सकते हैं पॉइंट कि नाइट्रोजन है तो इट इज बेसिक इन नेचर। अब जी जो ट्रू अल्कलाइड्स है कौन कौन सी ड्रग्स में आपको मिलते हैं, जैसे एट्रोपीन है, निकोटीन है एंड मॉर्फिन। ठीक है, देन स्यूडो अल्कलाइड्स। स्यूडो का मतलब भी क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, इट इज नॉट जेन्युइन। ये क्या इंक्लूड करता है, कौन से अल्कलाइड्स इंक्लूड करेगा, मेनली दे इंक्लूड स्ट्राइडल टर्पिनॉइड अल्कलाइड्स एंड प्यूरिन्स। नाउ अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है नाइट्रोजन, जो कहाँ से डेरिवेट हो रहा है, जैसे अभी आपने पढ़ा ट्रू अल्कलाइड्स, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है डायरेक्टली कहाँ से हमें मिल रहा था, अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो स्यूडो यहाँ से ट्रू अल्कलाइड से कैसे डिफर होता है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है इट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं होता है। एग्जाम्पल इसमें कौन से ड्रग्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि कोनेसिन होता है और कैफीन है। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रोटो अल्कलाइड्स। प्रोटो अल्कलाइड्स में क्या होते हैं, देखिए दे आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल अमीन्स और अमाइनो अल्कलाइड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइदर बायोलॉजिकल अमीन्स या फिर अमाइनो अल्कलाइड। ये क्या है, दे आर सिंपल अमीन्स इन विच द नाइट्रोजन इज नॉट इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये इससे स्यूडो और ट्रू अल्कलाइड से कैसे डिफर है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो प्रेजेंट था वो किस में प्रेजेंट था, ट्रू और प्रोटो में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट था। बट यहाँ पे जो प्रोटो अल्कलाइड्स में नाइट्रोजन है इट इज नॉट प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जैसे एग्जांपल आपके कौन से आ जाएंगे, कॉल्जी चेन एंड एफिट रिंग। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अभी ये जो क्लासिफिकेशन थी ये किसके बेसिस थी, आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बायोजेनेसिस। और यहाँ पे जो दूसरी क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर आपकी पर्टिकुलर ड्रग में
ऑब्टेन होता है उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं अल्कलाइड्स को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. सपोज जैसे इंडोल अल्कलाइड है तो यहाँ पे क्या रिंग प्रेजेंट होगी, इंडोल रिंग. ठीक है, तो इन ड्रग्स में जो मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं अल्कलाइड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं. जैसे कि इंडोल अल्कलाइड इसमें कौन सा आ जाएगा, अर्गर, विनका, रोवोल्फिया, नक्स वॉमिका. आइसोक्यूनिन अल्कलाइड्स है इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं आपकी, ओपियम, इपिकाक एंड क्यूरारे. देन ट्रोपेन अल्कलाइड्स इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाएंगी, बेलेडोना, धतुरा, हायोसाइमस. देन क्यूनोलिन अल्कलाइड्स इसमें कौन सी ड्रग आएंगी, सिंकोना, कैम्थो, थीका. देन पिरिडीन पिप्रिडीन अल्कलाइड्स द ड्रग्स इट इंक्लूड इज लोबेलिया एंड एरिका. नाउ इमिडाजोल अल्कलाइड पिलोकार्पस, क्यूनाजोलिन अल्कलाइड्स वसाका, प्यूरिन अल्कलाइड्स कॉफी, टी, कोला, स्ट्राइडल अल्कलाइड्स कुर्ची, अश्वगंधा, अमाइनो अल्कलाइड्स एफेड्रा, कॉल्चिकम, डाइटरपीन अल्कलाइड्स एकोनाइट. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, ड्रग को क्लासिफाई कर रखा है कि कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर उन ड्रग्स में क्या होता है हमें मिलता है. Now next is identification test. अब mainly जो alkaloids के test होते हैं इसमें मैंने discuss किया है Mayer's reagent test, Dragon drop reagent test, Wagner's reagent test और Hager's reagent test. आप लोग इसकी composition जरूर learn कर लीजिएगा. Mayer's reagent देखिए इसकी composition क्या होती है, it is potassium mercuric iodide solution. ठीक है, और इसमें आप जब आप क्या कर रहे हो अल्कलाइड्स को रिएक्शन कराते हैं मेयर्स रिएजेंट के साथ, इफ द ड्रग कंटेन्स अल्कलाइड इट विल गिव क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट इज ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे ही आप क्या कर रहे हो ड्रग विच कंटेन्स द अल्कलाइड रिएक्ट विद ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इट विल गिव यू रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट. नाउ वैगनर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या होती है, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, जैसे ही आप क्या कर रहे हो ड्रग कंटेनिंग अल्कलाइड रिएक्ट विद वैगनर्स रिएजेंट इट विल गिव यू रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट. नाउ हैगर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या होती है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड विद डिस्टिल्ड वाटर. यहाँ पे क्या होता है ड्रग जो कंटेन कर रही है अल्कलाइड देन रिएक्ट विद हैगर्स रिएजेंट इट विल गिव यू येल्लो कलर्ड प्रेसिपिटेट. These were the identification test of alkaloids and it is very important for your examination point of view. Now, the therapeutic effects or uses of alkaloids. So, alkaloids are having different types of therapeutic effects. First is antispasmodic. एंटीस्पास्मोडिक में आप कौन कौन सी ड्रग्स को यूज करते हो, बेलोडोना और लोबेलिया. एंटीस्पास्मोडिक क्या होते हैं, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं मसल्स के. ठीक है, वो होता है क्या, स्पाज. यहाँ पे आप क्या करो, एंटी का मतलब इट इज अगेंस्ट. ठीक है, तो इट द ड्रग्स विच आर यूज अगेंस्ट द एंटी स्पाज इट इज बेलोडोना एंड लोबेलिया. नाउ एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सी ड्रग आ जाती है, रोवोल्फिया. ऑक्सीटोसिन इसमें क्या आ जाएगा, अर्गट. एंटी अस्थमेटिक एफेड्रा. एंटी मलेरियल सिंकोना. एनाल्जेसिक ड्रग्स विच रिलीज फ्रॉम पेन, ओपियम. एंटी अमेबिक इपिकाक. एंटी कैंसर विनका. तो ये था आपके अल्कलाइड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोसाइड.